हेलो नमस्ते, मेरा नाम संदीप है। आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं इमरजेंसी में बना रहा हूँ, अभी मैंने सेटअप वगैरह अच्छे से नहीं किया, तो वीडियो मैं सोचा अगर सेटअप करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बनाना थोड़ा जल्दी था। मैंने इस वीडियो में बताया है फ़ोन के इमरजेंसी कॉल प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, 8 मिनट का लंबा है, क्योंकि इसमें एक तरीका नहीं, मैंने इसमें 5 तरीके लगभग बताए हैं जिससे कि आप अपने इमरजेंसी कॉल प्रॉब्लम, नो नेटवर्क, नो सर्विस, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। इसलिए 5 तरीके को देखने के लिए अलग अलग जो है, आप पूरा देख लेंगे वीडियो ना तो सब तरीका आप समझ जाएंगे। ये वीडियो आपको पूरी जिंदगी मदद करेगी, क्योंकि आपके पास चाहे देखिए कोई भी फ़ोन हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, किसी फ़ोन में भी दिक्कत हो सकता है, तो ये वीडियो जो है ना सभी मोबाइल वालों के लिए यूजफुल रहेगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। खैर, मैं तो सॉफ्टवेयर, मोबाइल में सॉफ्टवेयर चलाना, मोबाइल लॉक तोड़ना, हर टाइप की वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो आईफोन रहे या एंड्रॉयड रहे। चलिए बिना बकवास किए हुए ट्रिक की ओर चलते हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे इस फ़ोन में जो नेटवर्क इशू है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा मॉडल है रेडमी नोट 7 प्रो, पुराना फ़ोन है, 2 साल पुराना फ़ोन है, लेकिन फिर भी रेडमी का फ़ोन है ना, तो यहाँ पर देखेंगे इस फ़ोन में इमरजेंसी कॉल ओनली दिखा रहा है, जबकि प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे इमरजेंसी कॉल ओनली लिखा हुआ है, साफ साफ दिखा रहा है, नेटवर्क भी गायब है। कभी कभी फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं ना, चालू बंद, तो उसमें भी दिख जाता है, मतलब वापस से नेटवर्क आ जाता है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। इसका क्या सोल्यूशन है, आखिर ये क्यों हो जाता है ऐसा दिक्कत, सब जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो एक काम करना है, मोबाइल के सेटिंग में जा कर के देखना है कहीं नेटवर्क डिसेबल तो नहीं है। वो चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, सिम कार्ड एंड नेटवर्क, ये दिखेगा। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग नाम से होता है, वन प्लस के फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, मतलब सिम ऐसा दिखा रहा है कि सपोर्ट ही नहीं लिया, देख सकते हैं, नो नेटवर्क, नो सिम कार्ड दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों, जबकि कभी कभी ऑटोमेटिक ये नेटवर्क भी आ जाता है जब फ़ोन को देखते हैं तो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहला हम जो काम करेंगे, ये देखिए मैं बैक साइड से भी दिखा दूँ, ये रेडमी नोट 7 प्रो है। अभी सबसे पहले तो हम सिम इजेक्टर से सिम को निकालेंगे, अभी देखिए इसका क्या प्रॉब्लम होता है। तो नो इमरजेंसी कॉल ओनली अभी भी दिखा रहा है, तो फटाक से सिम को इजेक्ट करते हैं। ये देखिए मैंने सिम इजेक्टर को लगाया और ये प्रेस करें, निकल जाएगा आपका सिम। हाँ, तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर सिम भी लगा हुआ है, और ये जो सिम है ये एयरटेल का सिम है, जिस फोन में प्रॉब्लम है उसमें एयरटेल लगा हुआ है। एक काम आपको करना है, जब ऐसा दिक्कत हो तो सिम को दूसरे स्लॉट में लगा देना है। अभी देखिए नीचे वाले में था, अभी मैंने ऊपर वाले में लगा दिया सिम को, अब मैं फिर से सिम को लगाऊंगा, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक, टोटल आपको 5 सॉल्यूशन मिलेंगे, ओप्पो, वीवो, रियलमी, किसी भी फोन में दिक्कत आए तो बेहिचक आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे इस पूरे वीडियो को देख करके। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दिया, फिर एयरप्लेन मोड को हटाएं तो आपका नेटवर्क जो है रिफ्रेश होता है। अगर उससे भी ना हो तो अभी देखिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। एयरप्लेन मोड में डालने का फ़ायदा यह होता है कि आपका सिम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो उससे भी आपका रिफ्रेश हो जाता है फ़ोन। अब देखिए फिर से मैं सिम कार्ड इन नेटवर्क में गया, वहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करना है, जब उतना कट ही दिए हैं तो फ़ोन को फिर से मैंने रीस्टार्ट कर दिया, बंद करके चालू मैंने कर दिया। कभी कभी इसमें होता है, हाँ देखिए अभी नेटवर्क आ गया, सिम स्लॉट को मैंने चेंज किया तो देखिए नेटवर्क आ गया। अब ऐसे बहुत सारे फ़ोन में दिक्कतें होंगी, आपके किसी भी फ़ोन हो तो देखिए, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए अभी फ़ोन में नेटवर्क है, मेरे फ़ोन में आ गया, जबकि दूसरा स्लॉट मैंने लगाया, लेकिन अभी देखेंगे फिर से मेरा नेटवर्क गायब हो गया, 10 मिनट बाद गायब हो गया, फिर से इमरजेंसी कॉल आ गया। तो
तो क्या दिक्कत हो सकता है अब कैसे ट्रायल करेंगे? तो देखिए अभी अब यहाँ पे आपको क्या तरीका है, एक और आपको स्मार्टफोन लेना है और एक और दूसरा सिम कार्ड भी लेना है। अब हम करेंगे, ये हम आ चुके हैं अब तीसरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर, तीसरा ट्रिक है ये। दो ट्रिक तो हमने अपना लिया, अब सिम को एक्सचेंज करेंगे दो स्मार्टफोन के बीच। फ़ोन को खैर मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, ठीक ना, इस बार देखिए मैंने सिम को बदल दिया, जो Redmi Note 7 Pro में सिम लगा हुआ था वो मैंने, ये देखिए जिसका मैं ब्राइटनेस अभी कम कर रहा हूँ उसमें मैंने लगा दिया, और देखिए जिसमें एयरटेल लगा हुआ था उसमें मैंने जियो लगा दिया। सिम को जब मैंने बदला तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस दूसरे फ़ोन में भी इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो वो एयरटेल सिम का मुझे यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है। क्यों? तो क्योंकि भाई ये उसमें भी नेटवर्क ओनली दिखा रहा था और इसमें भी नेटवर्क ओनली दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो जियो का सिम है वो इसमें नेटवर्क आ चुका है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये हमारा तीसरा मेथड है। तो देखेंगे कि यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को थोड़ा मैं यूज करके भी मैं देखता हूँ, थोड़ा सेटिंग में जाके ना देखते हैं कि क्या आखिर सीन है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ ही नहीं रहा है और इमरजेंसी कॉल ऊपर से दिखा भी रहा था। फिर से देख लीजिए, ये इमरजेंसी कॉल अभी भी दिखा रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉल अभी भी शो कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन ये है, और इसको जो है थोड़ा देर तक आपको रखना है, एक बार फ़ोन को चालू बंद भी कर लेना है। प्रूफ के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ कि इसमें यार मैंने सिम लगाया हुआ है एयरटेल का। एयरटेल का कौन सा? वही जो पहले वाले फ़ोन में था, ये देख लो लगा हुआ है एयरटेल का। मैं फिर से एक बार फ़ोन को निकाल के ना एडजस्ट में कर लेता हूँ, फिर एक बार लगा के बंद चालू करता हूँ। तो दूसरी बार, ये तीसरी बार मैंने लगाया, फिर भी नेटवर्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं, अभी भी इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है ये दूसरे फ़ोन में। तो फ़ोन को मैंने रीस्टार्ट भी कर दिया कि कहीं ऐसा तो ना हो कि फ़ोन को मैंने रीस्टार्ट नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जियो 4G जो फ़ोन मैंने लगाया, जियो भी आ चुका है नेटवर्क। तो अभी भी देखिए फ़ोन को चालू करने के बाद भी ये नेटवर्क नहीं आया है, अभी भी इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है। तो कभी भी आपको ऐसा दिक्कत हो तो मोबाइल का सिम एक्सचेंज करके देखें। अब यहाँ पर देखिए जियो का नेटवर्क अभी भी Redmi Note 7 Pro में है, इससे पता चल रहा है सिम में दिक्कत है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो सिम में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके बारे में पता करें, आपके किस फैमिली मेंबर के नाम आधार कार्ड पे सिम लिया गया है, फिर सिम को रिप्लेस करवा लें, उसी नंबर से काम हो जाएगा।